भी हम लोग हज वैक्सीन के लिए जा रहे हैं रास्ते में हमें तरबूज नजर आ गए तो सोचा पहले तरबूज ले लेते हैं यहाँ पे मीठा तरबूज आपको मिल जाए ना बहुत बड़ी बात है और दिल भी बहुत करता है मुझे तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद है तीन ले लिए अच्छा इसने जो काटा हुआ वो तो लाल है, अच्छा है। दस 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 really? तो उधर लुलू पे बीस का हाँ बीस तीस का मिलता है

हाँ, इस साइड पे हम लोग कम ही आते हैं हमारी साइड पे जो बीच है हम लोग वहाँ अभी हम लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है जो लोग मुझसे पूछ रहे थे वैक्सीन के बारे में ना लगी, लगी है भाई मॉडर्ना हाँ, मॉडर्ना लगी <laughs> है और साथ में एम सी फोर भी लगी है तो अभी <laughs> हस्बैंड ने भी लगवा ली है और मैं भी लगवा के आ रही हूँ और उसके बाद आपको पता है की बड़ा सख्त बुखार होता है बुखार होगा दिन तो बस अभी मॉडर्ना वैसे बहुत ही सख्त किस्म की वैक्सीन है लेकिन बड़ी कारगर है उसके इसके बाद ऐसा कोविड मरा है ना <laughs> कोविड का नाम निशान नहीं रहा मोडरना जबरदस्त है 95 परसेंट इसने कंट्रोल किया बाकी इंशाल्लाह प्रोटेक्शन के लिए होती है वैक्सीन से घबराना नहीं चाहिए तो लगता है बदला ले रहे हैं <laughs> अभी घर आते ही तरबूज काटा है एक तरबूज अच्छा निकला और बाकी एक तरबूज जो है वो ठीक नहीं था फीका और हल्के कलर का था तो इसको मैं बाद में काटूंगी बस तसल्ली हुई कि चले एक तो अच्छा निकल आया अब देखते हैं कि ये कैसा है तो बस यहाँ पे चांस पे ही होता है बहुत कम ही मीठे निकलते हैं तो दिल भी बहुत करता है गर्मियों में ज़रा अच्छा लगता है तरबूज तो बस अभी बच्चों को ना हो रब को इस तरह से स्लाइसिस में अच्छा लगता है तो ये मैं हाफ़ करके इनको दे दूंगी और मैं इस तरीके से काट के रख लेती हूँ जिसको जब खाना होता है तो वो फिर मैं प्लेट में निकाल के दे देती हूँ क्योंकि इतना बड़ा तरबूज फ्रिज में रखा ही नहीं जा सकता ये फिर भी आसान होता है रखना जो सही नहीं निकला ना वो ये है ये देखें कितना इसका कलर हल्का है हल्के कलर का भी है और खाने में भी फीका है अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे वैक्सीन के बाद बड़ा ही बुरी किस्म का फीवर हुआ पहले दिन तो इतना महसूस नहीं हुआ लेकिन सेकेंड डे थर्ड डे अच्छी खासी हालत खराब हुई वैसे भी जब पहले कोविड के जमाने में मॉडर्ना लगी थी तब भी ऐसी हालत हुई थी तो अब ये हमें थर्ड टाइम जो है वो ये वैक्सीन लग रही है तो खैर ये जरूरी थी हमें लगवाना पड़ी और अभी मुझे अपने कुछ जरूरी काम करने थे पहले तो हिम्मत नहीं हो रही थी लेकिन फिर सोचा कि ये काम तो करना ज़रूरी है तो इसलिए आ, हिम्मत करके उठा जाए तो मैं आई हुई थी गेस्ट रूम की सफाई करने के लिए एक्चुअली मेरी आ, सिस्टर इन लॉ पाकिस्तान से आ रही थी तो उनके लिए मुझे रूम सेट करना था तो वेंटिलेशन के लिए पहले तो मैंने बहुत कोशिश की कि विंडो खुल जाए लेकिन वो आ, शायद वहाँ पे कुछ वॉलपेपर वगैरह लगा हुआ है तो उसकी वजह से वो फिक्स हुई हुई थी तो वो ओपन नहीं हो रही थी उसको मैंने कोशिश बहुत की खोलने की लेकिन खुली नहीं तो फिर उसके बाद मैं बेड चेंज करने के लिए आ गई डस्टिंग वगैरह कर लूँगी और बाकी मॉपिंग और जो ब्रूम वग़ैरह है वो हेल्पर आके कर लेगा पहले तो सोचा कि ये काम भी खुद ही निपटा लेती हूँ एक ही दफा जो है वो यहाँ से मैं डन हो जाऊँगी लेकिन फिर यह है कि नहीं हिम्मत बनी कोशिश बहुत की थी वो भी मेडिसिन ली हुई थी तो थोड़ा सा फीवर मेरा कम हुआ तो फिर मैं ये काम करने के लिए आ गई सिस्टर इन लॉ के आने में एक दिन बाकी था उन्हें फिर हमें जिद्दा से रिसीव करने के लिए भी जाना था तो ये आज काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था मेरे लिए एक कब्ड का काम था जिसमें कुछ हमारा एक्स्ट्रा स्टफ रखा होता है पहले तो सोचा कि उसको भी निपटा ले लेकिन ये है कि वो मुझसे नहीं हो सका तो उसको फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था बाकी ये है कि मज़ीद जब सफाई हो जाएगी तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी मैं यहाँ पर रख दूँगी और बाथरूम में भी जो जो चीज़ें मुझे रखनी होंगी वो भी मैं सफ़ाई के बाद रख दूँगी और इस वक्त ऊपर से मैं विंडो से ना हु को देख रही थी ये अपने कैट मिशन में थी इनको जो है वो बस कहीं कैट नजर आ जाए ना तो पकड़ के घर ले आती हैं और थोड़ी देर उनके साथ खेलती हैं वैसे भी एक कैट जो हमारे आस पास रहती है उसके कुछ किटन्स आजकल उसने दिए हुए थे तो उसकी टेक केयर कर रही होती है मीरप फुल टाइम तो अभी खैर मैं यहाँ पे स्नैक्स बास्केट बना रही हूँ बाजी के रूम के लिए पिछली मरतबा मैंने उनके रूम में कुछ नट्स वगैरह रख दिए थे ताकि अगर भूख लगे तो वो खा सकती हैं लेकिन वो उन्होंने मैंने इस्तेमाल नहीं किए थे तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इस बार उनकी मनपसंद चीज़ें रख देते हैं तो बाजी को ये चिप्स वगैरह और ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए फिर मैंने बास्केट बना के ये रख दिया था तो इस तरीके से ज़रा अच्छा लगता है सैद की नज़र है कि मैं ये किन्जा पी लूँ <laughs> <laughs> ये क्या हो रहा बेटे एक्चुअली सैद अपने किसी इवेंट की तैयारी कर लेकिन इन अ फनी वे इसका कुछ इवेंट होने वाला है स्कूल का तो उसके लिए कुछ क्रेजी हरकतें कर रहे हैं वैसे उसे थोड़ा फनी है <laughs> अच्छा जब घर में कोई मेहमान आने वाला होता है ना तो आप अपने घर की कहीं ना कहीं डीप क्लीनिंग शुरू कर देते हैं तो यहाँ मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ था मैंने यहाँ से रग उठवाया उसको वॉश करवाया वैसे मैं इस रग से काफ़ी तंग पड़ी हुई थी मेरी नीयत उसको वापस बिछाने की नहीं थी मैंने उसको धुलवा लिया था और मैंने क्लीनर से कहा अगर ये साफ़ धुला तो मैं इसको बिछाऊँगी वापस अदरवाइज़ मैं इसको नहीं बिछाऊँगी तो उसको मैंने क्लोरिक से वॉश करवाया लेकिन वो उतना साफ़ नहीं धुला है इसको मैं पहले भी धुलवा चुकी हूँ लेकिन इसकी हालत जो है ना वो ख़राब हो चुकी हुई है बिछाने वाला नहीं है तो इसको फेंकने को भी दिल नहीं कर रहा था तो खैर धुलवा भी मैंने लिया ड्राई भी हो गया था लेकिन बस मैंने उसको बिछाया नहीं है ड्राइंग रूम मुझे जो है वो ऐसा ही अच्छा दिख रहा था वैसे तो मैं काफ़ी कुछ चेंज करना चाह रही थी ड्राॅइंग रूम में लेकिन मैं वो तो नहीं कर सकी खैर फिर मैंने रख ही निकाल दिया और अभी मैं यहाँ पे बच्चों के लिए स्नैक बना रही थी चीज़ ब्रेड बना रही हूँ एयर फ्रायर में बहुत जल्दी बन जाती है सॉरी मैं आज आप लोगों के साथ रेसिपीज़ बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रही हूँ सोचती हूँ प्लान भी करती हूँ लेकिन फिर कर नहीं पाती हूँ तो आई डोंट नो मुझे क्या जो है वो हो गया हुआ है तो ये भी जब बन गई थी उसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों को नहीं दिखा सकी हूँ बस इसके ऊपर जो है वो सिंपल आप जो पिज़्ज़ा सॉस होती है वो लगा सकते हैं केचप लगा सकते हैं ऊपर इसके आप चीज़ लगाएं और फिर उसके बाद इसको एयर फ्रायर में बेक कर लें एयर फ्रायर में बहुत जल्दी बेक भी हो जाती है और मज़े की भी लगती है बस क्विक सा स्नैक है और बच्चे ये खुद भी बना सकते हैं एयर फ्रायर में रखें और फटाफट से जो है ये चीज़ स्लाइसिस बन जाते हैं और अभी मैं मशीन से बेडशीट्स निकाल रही हूँ जो मैंने गेस्ट रूम की बेडशीट उतारी थी वो भी धोने के लिए डाल दी थी और इसके अलावा सोफ़ा कवर था वो भी मैंने धोने के लिए डाल दिया था जो कि मेरे हूरभ के रूम में रखा हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो ये ख़राब हुआ हुआ था इसको भी मैंने वॉशिंग में डाल दिया था और आजकल धूप बड़ी तेज़ होती है कि बहुत जल्दी ये चीज़ें ड्राई हो जाती हैं मेरे ख्याल से मई जून जो है वो आ, बेहतर वक्त होता है घर की डीप क्लीनिंग का इसमें आप अपने घर की मुख्त चीज़ें जैसे पर्दे वग़ैरह वॉश करने हों सोफ़ा कवर्स वॉश करने हों वो आप वॉश करके क्योंकि जल्दी ड्राई हो जाते हैं ना आप धूप में इसको सूखाएँ अच्छे तरीके से चीज़ें सूख भी जाती हैं और फिर आगे वेदर भी ह्यूमिड हो जाता है तो भी ज़रा मसला होता है तो ये बेहतर वक्त होता है जिसमें आप अपने घर की डीप क्लिनिंग करें और मज़ा आ जाता है वैसे सफाई का आप अपने घर के कुशन कवर वग़ैरह वॉश मैट्रिसेस वगैरह को हवा लगवा लें धूप लगवा लें तो अच्छी खासी धूप लग जाएगी वैसे तो यहाँ की जो सऊदी अरेबिया की धूप है वो बहुत ही कड़क धूप होती है तो इससे जो है वो आपकी अच्छी खासी चीजें जो है वो खराब भी हो सकती हैं तो इसलिए एक द, एक दो दिन से ज्यादा जो है वो धूप भी नहीं लगवानी चाहिए बाकी कामों के साथ साथ मैंने यहाँ पे खाना भी बना लिया था और खाने में मैंने बनाई थी चिकन करी तो बस ये अब पक चुकी थी इसमें मैं गरम मसाला शामिल कर दूँगी और फिर मुझे जाना था फाइव रियाल शॉप तो बस यहाँ से मुझे डिस्पोजेबल खरीदना था पहले मैंने जो रमज़ान के लिए खरीदे थे वो सारे ख़त्म हो गए थे तो अब सोचा कि थोड़े और ख़रीद के आती हूँ और एक दो मुझे और चीज़ें भी ज़रूरी चाहिए थी जैसे कि टेबल के लिए मुझे शीट चाहिए थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी गई मैं वो लेने थी और फिर दस चीज़ें जो है वो आप साथ और लेके आ जा जाते हैं किचन के लिए थोड़े बड़े साइज़ में मुझे बिन चाहिए थी वो ली और इसके अलावा टिशू पैक था और किचन केबिनेट्स के लिए जो मैं शीट्स यूज़ करती हूँ वो मैंने ली मुझे बड़े साइज़ में तो नहीं मिली बस जो एक रेगुलर साइज़ होता है इन शीट्स का वो मैंने एक पैक ले लिया और इसके अलावा गार्बेज बैग्स थे आ, साथ में ग्लव्स हैं और ये कुछ आ, बेकिंग पेपर हैं सैंडविच पेपर हैं जो कि मैं बच्चों के लंच के लिए इस्तेमाल करती हूँ बहुत अच्छे मिल जाते हैं फाइव शॉप पे और इसके अलावा ये कुछ स्पंज वगैरह हैं और ये प्लेट्स बाउल वगैरह जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं और ये एक बास्केट मुझे बड़ी आ, पसंद आई थी ये मैं पहले भी इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसके साथ के अभी मैं एक और भी लेके आई हूँ इसको आप एज़ ऑर्गेनाइजर या जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें किचन में या किसी और वे में इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं और इसके अलावा मैं एक मैट ले के आई हूँ हुम अरब के लिए अक्सर ये बाहर बैठ के खेल रही होती हैं और बाजूआकात बच्चे प्लेटो वगैरह से खेल रहे होते हैं तो ये भी छाह उसके ऊपर बच्चे बैठ के आराम से खेलें और वैसे भी आगे इनका समर ब्रेक स्टार्ट होने वाला है तो बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं तो इस पे आप बच्चों को दे दें चीज़ें तो वो जैसे चाहे इस्तेमाल करें ये थी मेन शीट मेरी जो टेबल की शीट है ट्रांसपेरेंट वो हुरभ ने सीज़र से काट दी थी वैसे भी उसको काफ़ी अर्सा हो गया था तो मैंने कहा उसको चेंज कर देते हैं तो अभी बस मैं ये चीज़ें हटा के फिर शीट को चेंज कर लूँगी तो बस अलहमदुल्ला जो भी मेरे काम करने वाले थे वो मैंने सारे अपने लिए जो जो भी मैंने सोचे हुए थे जो चीज़ें धोने वाली थी वो सब धो डाली जो चीज़ें चेंज करने वाली थी वो भी चेंज कर दी तो इस बुखार के साथ साथ मैंने ये सारे काम किए अलहमदल सब होगा बाज़ अकात अगर मैं किसी काम को लेके लेज़ी हो रही होती हूँ ना तो मुझे आ, बहुत ज़्यादा बुरा महसूस होता है मैं इतना ज़्यादा गिल्ट महसूस करती हूँ कि मैं खौम ख़्वा में क्यों पड़ी हुई और अपना काम क्यों डिले कर रही हूँ तो मुझे अपनी वो जो कैफियत होती है ना उससे बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह तला मुझे कभी भी सुस्ती में मुबतला किसी वीडियो में हेयर सप्लीमेंट्स की बात की थी आ, तो उसके बाद मुझे काफी सारे कमेंट्स जो है वो रिसीव हुए थे कि आप अपनी बेटी को कौन से सप्लीमेंट्स देती हैं? तो आ, मैं जो है वो प्रायोरिन एन इस्तेमाल करती हूँ ये सप्लीमेंट्स मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ और अपनी बेटी को भी देती हूँ और ये मैं सिक्स मंथ्स यूज़ करती हूँ और उसके बाद मैं दो तीन मंथ्स का गैप देती हूँ उसके बाद इसको दोबारा शुरू कर देती हूँ इनफैक्ट मेरे सर पर जितने भी बाल हैं ना वो वो इसी मेडिसन की वजह से हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया में हेयर फॉल जो है वो कॉमन है और मैं खुद तो लेती ही थी तो फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी का भी स्टार्ट कर दिया और ये दिन में दो कैप्सूल्स लेने होते हैं एक सुबह और एक शाम में वैसे तो ये मेडिसिन सेफ है लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से जरूर कंफर्म कर लीजिएगा जरूरी नहीं कि जो मेडिसिन मेरे लिए काम करती है वो आपको भी सूट करे तो आप अपने डॉक्टर से भी इसके बारे में कन्फर्म कर सकते हैं वैसे ये सेफ है इसके कोई साइड इफेक्ट्स मैंने आज तक नहीं देखे हैं मैं काफी अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ पहले भी आप लोगों के साथ शायद मैं ये शेयर करती आई हूँ तो बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो उसका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है तो इसलिए मैंने उसका भी एहतियातन ये मेडिसिन शुरू करा दी थी और ख़ुद भी ये मेडिसिन मैं लेती हूँ और इसके अलावा आप लोगों के साथ मैंने हेयर ऑयल की रेसिपी भी शेयर करनी थी एक्चुअली हुआ ये कि वो जिस फ़ोन में मैंने वो रिकॉर्ड की थी वीडियो तो वो किसी प्रॉब्लम की वजह से रिकवर नहीं हो रही है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी हूँ लेकिन इन शाह मैं जब दोबारा बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी वो ऑयल मैंने थ्री मंथ्स पहले बनाया था सोचा था कि उसके रिजल्ट्स पहले मैं खुद चेक कर लूँ फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो उसके रिजल्ट्स मुझे अच्छे मिले हैं मीरा का भी बहुत सीरियस हेयर फॉल चल रहा था तो उसका अलहमद हेयर फॉल भी रुक गया और इसके अलावा उसके बाल भी माशाला से काफ़ी रीग्रो हुए हैं मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊँगी आपको खुद ही जो है वो उस ऑयल पर यकीन आ जाएगा तो इन जब मैं दोबारा बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी एक काम जो हेल्पर के जिम्मे था उसने ये स्टोव डीप क्लीन करना था उसने पहले सारा जो फॉइल पेपर होता है वो निकाला और उसके बाद ये जो बर्नर्स थे उसको अच्छे तरीके से वॉश किया अभी नीचे वाला फॉइल पेपर उसने चेंज करना है सिर्फ अभी ऊपर वाला रिमूव किया और फिर अभी जब ये ड्राई होंगे तो फिर वो फॉइल पेपर चेंज करके इसको भी सेट कर देगा सोचा अपने सारे काम जाने से पहले निपटा लूँ ताकि पीछे बच्चों को मुश्किल ना हो और मुझे भी तसल्ली रहे ये है नेक्स्ट डे अभी मैं जा रही थी सैलोन मेरा कुछ काम था और आज के व्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर